Now class six student, as I tell you that uh, in the next video I am computer, coming up with computer language. Then what is computer language? We should know. We use language to communicate with each other. हम लोग language use करते हैं एक दूसरे से communicate करने के लिए मतलब एक दूसरे को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए communicate इसको ही बोला जाता है communicate एक दूसरे से जो संपर्क स्थापन होता है वो लैंग्वेज से ही होता है सिमिलरली टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर वी नीड ए लैंग्वेज व्हिच कैन बी अंडरस्टूड बाय इट वैसे ही आ, हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वी नीड ए लैंग्वेज वी नीड ए लैंग्वेज व्हिच कंप्यूटर व्हिच कैन बी अंडरस्टूड बाय इट मतलब कंप्यूटर को जो जो समझ में आए ठीक है तो कंप्यूटर को जो समझ में आए वो वाले लैंग्वेज से अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे तो कंप्यूटर समझ पाएगा फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पहले जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर्स टू टिल डेट देयर हैव बीन सेवरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस व्हिच वेर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर तो uh, पहले जेनरेशन कंप्यूटर से लेकर आज के दिन तक जो कंप्यूटर क्रिएट किया गया है इन सारे कंप्यूटर में बहुत सारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हुआ है तो कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे लैंग्वेज का यूज़ किया गया है ठीक है बेसिकली प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिकली प्रोग्रामिंग इसको क्या कहा जाता है बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इन टू टू कैटेगोरीज इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है कंप्यूटर लैंग्वेज को किस किस कैटेगरी में मेनली टू कैटेगरी में बटा गया है अकॉर्डिंग हाउ द कंप्यूटर अंडरस्टैंड दम और जैसे वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है ठीक है वन है हाई लेवल लैंग्वेज एनदर है लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल एज वी कैन सी यू को मैं वी करके पहनू पढ़ूंगा कि तुम लोगों को समझ में आ जाए इजिली एज वी कैन सी मतलब मुझको मिलाकर एज वी कैन सी इन द फिगर तो कंप्यूटर लैंग्वेज कैसे बटा गया था कंप्यूटर लैंग्वेज का दो भाग वन इज़ लो लेवल लैंग्वेज देन हाई लेवल लैंग्वेज देन लो लेवल लैंग्वेज इज टू पर्ट्स मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज एंड द हाई लेवल लैंग्वेज इज लाइक बेसिक कोबल सी सी प्लस प्लस जावा एट्सट्रा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस ठीक है ये लैंग्वेजेस हैं नाउ मैं पेज नंबर थर्टीन में चला जाना चाहता हूँ पेज नंबर थर्टीन में हम लोग क्या देखते हैं ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड ग्रामर जस्ट एज द रूल्स ऑफ इंग्लिश ऑफ ग्रामर लैंग्वेज हर एक लैंग्वेज का यहाँ पर ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सेट ऑफ रूल एंड ग्रामर उसका एक रूल है एंड ग्रामर है ग्रामर मतलब सिंटेक्स जिसको कहा जाएगा यहाँ पर ग्रामर है इन इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर रूल्स ऑफ इंग्लिश और ग्रामर लैंग्वेज इंग्लिश में जैसे ग्रामर का, का काम होता है सेम है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी रूल्स एंड ग्रामर होता है उसका कैसे देना है कैसे क्या होगा उसका ग्रामर है तो ग्रामर जानना बहुत जरूरी है द ग्रामर इज नोन एज द सेंटेक्स ग्रामर को किस नाम से पहचाना जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज में सिंटेक्स ग्रामर ना बोल के उसको सिंटेक्स बोला जाता है ऑफ द लैंग्वेज एंड दिस एंड द सेंटेंस इज फ्रॉम दर कॉल्ड स्टेटमेंट और उस सेंटेक्स से जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको स्टेटमेंट कहा जाता है ठीक है एज ए सेट ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट फ्रॉम ए प्रोग्राम ऐसे ही सेट ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट को एक साथ में प्रोग्राम कहा जाता है ठीक है तो बोला गया है द लैंग्वेज क्लोजेस्ट टू द हार्डवेयर इज द मिशिन लैंग्वेज सबसे क्लोज हार्डवेयर के सबसे क्लोज वाला कौन सा लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज एज यू कैन सी इन द फिगर विलो सबसे पास में कौन सा लैंग्वेज है हार्डवेयर हार्डवेयर के सबसे पास में होता है मशीन लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज के बाद असेंबली लैंग्वेज देन द हाई लेवल लैंग्वेज देन द फाइव जी एल लैंग्वेज ठीक है देन फोर जी एल लैंग्वेज एन फाइव जी एल यहाँ पे फोर जी एल नहीं दिया गया देन फोर जी एल देन फाइव जी एल्ड हार्डवेयर के सबसे करीब कौन सा लैंग्वेज मिशिन लैंग्वेज ठीक है तो यहीं पर मैं इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिशी लेवल लैंग्वेज के साथ नेक्स्ट वीडियो में लौटता हूँ